मारवाड़ी मेडी आप देख रहे हैं। आज है 23 मई 2024 गुरुवार का दिन और हिंदू तिथि बैसाख माह की पूर्णिमा है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर, शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले तो आपके लिए अच्छी खबर है, अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी कि RTO में टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। अब आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर या ड्राइविंग स्कूल जाकर भी बनवा सकेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नए नियमों की घोषणा की है। नए नियम 1 जून 2024 से लागू होंगे। नए नियमों के तहत 3 बड़े बदलाव किए गए हैं। पहला नियम तो मैंने आपको बता ही दिया, जैसे नए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए RTO में टेस्ट देने की मौजूदा बाध्यता खत्म हो जाएगी और 1 जून से आप प्राइवेट ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में जाकर भी टेस्ट दे सकेंगे। इसके अलावा दूसरे नए नियम की बात की जाए तो लाइसेंस के बिना या तेज गति से वाहन चलाने पर भारी जुर्माना लगेगा। इसके लिए अब जुर्माना 1 से 2 हजार रुपए के बीच है। वहीं नाबालिग के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर माता पिता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और 25 हजार रुपए का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा गाड़ी मालिक का रजिस्ट्रेशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा और नाबालिग 25 साल की उम्र तक लाइसेंस के लिए अयोग्य नहीं होगा। तो इस प्रकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 3 बड़े बदलाव किए हैं। आगे बढ़ जाते हैं देश की एक और बड़ी खबर। PM मोदी ने बुधवार को बस्ती और श्रावस्ती में चुनावी रैली को संबोधित किया। श्रावस्ती में PM ने कहा, मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, किसी शाही खानदान से नहीं हूँ, मुझे किसी के लिए कुछ कमाना नहीं है। PM बोले, अब पाकिस्तान पस्त पड़ चुका है लेकिन उसके हमदर्द सपा कांग्रेस वाले भारत को डराने में जुटे हैं। हम डरते नहीं है, इनको मालूम नहीं है कि 56 इंच क्या होता है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं बड़ी खबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल हरियाणा के दौरे पर रहे। उन्होंने सबसे पहले चरखी दादरी में रैली को संबोधित किया। इसके बाद वह सोनीपत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अरब पतियों की है, मोदी ने 22 लोगों का कर्जा माफ किया। वहीं बड़ी खबर आपको ये भी दे दूं, चरखी दादरी में रैली के दौरान मंच पर राहुल के सामने बेटी श्रुति की टिकट कटने से नाराज विधायक किरण चौधरी और कैंडिडेट राव दान सिंह आपस में भिड़ गए। मंच पर ही दोनों ने एक दूसरे को अंगुलियां दिखाई। राहुल गांधी ने बीच बिचाव करके मामले को शांत करवाया। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से बड़ी खबर। राजस्थान बोर्ड 10वीं परीक्षा में शामिल छात्रों का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राजस्थान बोर्ड 10वीं के नतीजे 30 मई को घोषित किए जा सकते हैं। हालांकि RBSE ने अभी तक रिजल्ट जारी करने की कोई आधिकारिक डेट साझा नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है 30 मई को 10वीं के नतीजे आ जाएंगे। वैसे आपको बता दूं, राजस्थान बोर्ड पिछले साल की तरह इस बार भी 10वीं टॉपर्स की लिस्ट नहीं जारी करेगा। बोर्ड ने पिछली बार भी 10वीं के टॉपर्स की लिस्ट जारी नहीं की थी। वहीं बताया जा रहा है 10वीं के परिणाम जारी होने के बाद कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं के परिणाम घोषित होंगे। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह की पत्नी व पूर्व सांसद दिव्या सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि यह हमारा पारिवारिक मसला था, लेकिन अशोक गहलोत ने विवाद बढ़ाने का काम किया है और 2-2.5 साल तक गहलोत ने आग में घी डालने का काम किया। विश्वेंद्र सिंह की पत्नी बोली, सारे फसाद के पीछे गहलोत ही है। वहीं भरतपुर पूर्व राज परिवार विवाद पर बेटे ने कहा, पूर्व CM ने हमारे फोन भी टेप करवाए। आगे बढ़ जाते हैं एक और बड़ी खबर। नरेगा श्रमिकों के भुगतान में फर्जीवाड़े की शिकायतों को रोकने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जनवरी में किए गए बदलावों को लोकसभा चुनाव के बाद सख्ती से लागू किया जाएगा। नए नियमों में मजदूरों के बैंक खातों को आधार और आधार को नरेगा जॉब कार्ड से जोड़कर भुगतान किया जाएगा। राजस्थान में नरेगा श्रमिकों की मजदूरी देने में धोखाधड़ी के कई मामले सामने आए हैं, लेकिन अब मजदूरों को उनका पेमेंट आधार कार्ड के हिसाब से ही होगा। मजदूरों का बैंक खाता उनके आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा और फिर उनके जॉब कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। वहीं केंद्र सरकार चुनाव के बाद भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कई और भी कदम उठा सकती है, क्योंकि खासकर नरेगा जैसी योजनाओं में हर दिन भ्रष्टाचार के नए नए मामले सामने आते रहे हैं। इसीलिए सरकार अब नरेगा में चल रहे फर्जीवाड़े की पूरी जांच पड़ताल करेगी और लोकसभा चुनाव के बाद सख्ती से नए नियम लागू होंगे। आगे बढ़ जाते हैं एक और बड़ी खबर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्थाओं की बदहाली पर भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा कि पिछले 6 महीनों में
बीजेपी की सरकार ने हमारी जनहित और लोक कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया है। साथ ही में गहलोत ने कहा कि चिरंजीवी जैसी योजना जिसकी सराहना पूरे देश में हो रही थी, परंतु यह बेहद दुख की बात है, भाजपा सरकार ने चिकित्सा सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया। वहीं गहलोत ने कहा कि राजस्थान में गरीब और मध्यम वर्ग की परेशानी रोज बढ़ती ही जा रही है। आगे बढ़ जाते हैं बड़ी खबर। तेजी पर सवार चांदी 700 रुपए उछलकर 95,600 रुपए प्रति किलो रही। वायदा बाजार में तेजी के कारण हाजिर बाजार में चांदी महंगी हो रही है। वहीं जयपुर सराफा बाजार में शुद्ध सोना 50 रुपए कम होकर 76,050 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। जेवराती सोना पूर्व स्तर पर टिका रहा। जेवराती सोना यानी कि 22 कैरेट सोने के भाव जयपुर सराफा बाजार में 71,500 रुपए रहे और 18 कैरेट सोने के भाव 61,300 रुपए रहे। वहीं मंडियों के भाव की बात करें तो जोधपुर की मंडी में जीरा की बोली 32,400 रुपए लगी, यानी कि यह टॉप भाव रहा। वहीं बीकानेर की मंडी की बात करें तो यहां पर जीरा अधिकतम बिका 33,000 और इसबगोल बिकी अधिकतम 15,350 रुपए। वहीं नोखा की मंडी में अच्छी क्वालिटी की इसबगोल 16,000 रुपए तक भी बिकी और बीकानेर की मंडी में सरसों का भाव रहा 5,751 रुपए और पीली सरसों का भाव रहा 5,751 रुपए। आगे बढ़ जाते हैं मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। प्रदेश में गर्मी ने कहर बरपाया हुआ है। गर्मी के हाई लेवल टॉर्चर से आसमान से आग बरस रही है। दिन में तेज तपन से लोगों का हाल बेहाल है, तो वहीं रात में भी अब यह गर्म हवाएं राहत की सांस नहीं लेने दे रही है। नौतप्पा से पहले तवे से तपती धरती से आम जन घरों में कैद होने को मजबूर है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग के अनुसार अभी पारा और चढ़ेगा, यानी कि अब की बार गर्मी नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की आशंका है। अगले 5-7 दिनों में पारा 49 डिग्री के पार पहुंचने की संभावना है। हालांकि जून के पहले सप्ताह में हल्की सी राहत के आसार जताए जा रहे हैं। जून के पहले सप्ताह में हल्के मौसमी सिस्टम एक्टिव हो सकते हैं, जिसकी वजह से गर्मी से थोड़ी सी राहत मिल सकती है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं आपके लिए कुछ और बड़े और काम के अपडेट्स। अगर आपको उज्ज्वला योजना के तहत सस्ता सिलेंडर मिलता है तो आपको EKYC वगैरह करवाना होगा, आपके डॉक्यूमेंट अपडेट करवाने होंगे, वरना मुश्किल हो सकती है। साथ ही में जिनको उज्ज्वला योजना के तहत भले ही सस्ता सिलेंडर ना मिलता हो, लेकिन उनको भी अब EKYC एक बार अपडेट करवाना होगा। आगे बढ़ जाते हैं एक और बड़ी खबर। राजस्थान रॉयल ने IPL एलिमेंटर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 4 विकेट से हराकर क्वालिफायर 2 में जगह बना ली है। राजस्थान अब 24 मई को सनराइजर्स हैदराबाद से क्वालिफायर 2 में भिड़ेगी। आगे बढ़ते हैं देश की एक और बड़ी खबर। उत्तराखंड सरकार अब राशन कार्ड धारकों को गेहूं, चावल और अन्य सामान मुफ्त में देने की विशेष योजना बना रही है। दरअसल वहां की सरकार मुफ्त राशन के साथ चीनी और नमक भी रियायती दरों पर देने की घोषणा की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी फ्री राशन देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मुद्दा बन गया है, जिस देश में आजादी के बाद से ही गरीबी खत्म करने की कस्में खाई जा रही थी, लेकिन ये वादे और कस्में अभी भी पूरे नहीं हुए। बीजेपी 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो मुफ्त राशन दे रही है, तो अब कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर गठबंधन जीत जाता है तो लोकसभा चुनाव के बाद गरीबों को 10 किलो मुफ्त राशन मिलेगा। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।